नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड क्रिप्टो में। दोस्तों, जो हम सतोशी कोर में डेली माइनिंग करते हैं उसमें आज एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड हुआ है, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है और दूसरा इनके ब्लॉकचेन पे न्यू प्रोजेक्ट आया है तो उसमें भी कैसे हमको पार्टिसिपेट करना है, कैसे हमको अकाउंट बनाना है, वो आज सब इस वीडियो में जानेंगे। बिना स्किप के वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हर एक प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अपना जो ये सतोशी कोर ऐप है जिसमें हम माइनिंग करते हैं उसको आपने अपडेट नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको अपडेट कर देना प्ले स्टोर से। और नीचे यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पहला ऑप्शन है एयर ड्रॉप, दूसरा है प्रोजेक्ट, हमको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ऊपर देख सकते हो ओपन एक्स जो नया आया हुआ है, तो हमको क्या करना है इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले नीचे ये जो दिख रहा है साइन अप वगैरह इस पर हमको क्लिक करना है। ऊपर हमको शो करेगा पार्टिसिपेट इन एयर ड्रॉप, तो हमको सीधा इसमें पार्टिसिपेट करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो हम सक्सेसफुली इसमें पार्टिसिपेट हो गए, ज्वाइन हो गए इसमें। तो अभी कुछ डिटेल है इनकी नीचे, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब इन्होंने बताया कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते तो ये इनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये। और हमारी जो करंट हैश है अभी ज़ीरो है, इनका जो एयर ड्रॉप है वो चालू होने वाला है 13 तारीख से। आज 12 तारीख है, कल 13, तो कल 13 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है। और इनका जो एंडिंग टाइम है 2024, 4/13 मतलब 13 अप्रैल को ये 2024 में इनका एंडिंग टाइम है, मतलब इनका जो एयर ड्रॉप है वो ख़त्म होगा। और इनका विड्रॉ मिलेगा 20 मार्च 2024 को इनका विड्रॉ स्टार्ट होगा। ये सब एस्टिमेट प्राइस है। प्रोजेक्ट में कुछ अगर मेंटेनेंस करना है, अपडेट करना है तो आगे पीछे टाइम हो सकता है, बट आप लोग इसमें ज्वाइन करके रखना और डेली इसमें माइनिंग करते रहना। और मैंने जो बताया था आपको कि कोरडाओ के जो ब्लॉकचेन है उस पर एक प्रोजेक्ट लिस्ट होने जा रहा है तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप कॉपी कर लेना। अगर डिस्क्रिप्शन से कॉपी नहीं होता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी ये लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की भी, तो आप सबसे पहले उस लिंक को कॉपी कर लेना। और आपको मेटामास्क में आना है और जो लिंक कॉपी की थी आपको इस ब्राउज़र में जाना है, नीचे जो अपना ब्राउज़र का सेक्शन है उसमें जाना है और यहाँ पे वो जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो इथेरियम का नेटवर्क होगा तो अपनों को BNB जो नेटवर्क है हमका BSC का, उसको आपको चेंज करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो यहाँ देख सकते हो यह जो दिख रहा है ज्वाइन इवेंट, तो इसमें आपको क्लिक करना है। ओके, और जिसका नहीं होता है उसको 3-4 बार करके देख लेना और हो जाएगा वो। यह देख सकते हो मेरा भी हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका कुछ फ़ी मांगेगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं फी है, 0.00282 इनका जो कोर है बहुत कम होता है तो वो आपको फ़ी दे देना है, ज़्यादा नहीं है। तो छोटा सा अमाउंट है उसको आप कंफर्म कर देना। कंफर्म कर देते ही अपना जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ देख सकते हो शेयर द लिंक एंड इनवाइट 3 पीपल, तो आपको मिनिमम 3 फ्रेंड को इनवाइट करना है तो आप सक्सेसफुली हम ज्वाइन हो पाएंगे। वैसा कुछ नहीं, हम इसमें ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस बता देते हैं, बट 3 रेफर हमको करना है कैसे भी करके, तो हम 3 रेफर कर लेंगे। तो यहाँ पे इनके जो हैंडल्स है, ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम के, डिस्कॉर्ड के, इनमें सबको आपको ज्वाइन कर लेना है एक एक करके। और यहाँ पे जो दिख रहा है ट्वीट, जो रिट्वीट करना है इनका जो ट्वीट होगा उसको आप रिट्वीट करना एक एक करके, सब में आपको ज्वाइनिंग करना है, कंपलसरी है ये। और यहाँ पे आपको कुछ कोर लगेगी, मतलब जैसे कि आधा कोर या फिर एक कोर आपको लगेगा। इसको इनके कुछ टोकन होते हैं
जो कोर आईडी के जो ये सीआईडी टोकन्स है वो आपको मिनिमम 10 टोकन लगेंगे, तो आपको वो एक कोर का इसे ऐड कर लेना है, तो या फिर बाय कर सकते हो या फिर आप अपने जो स्टेक किए होंगे उसमें से एक कोर आप रिटर्न करके इनके जो सीआईडी टोकन है इनको बाय कर लेना, ज़्यादा नहीं लगता है। तो आपको मैं बता दूंगा इनका बाय कैसे करना है टोकन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हो मैंने इनके टोकन बाय कर लिए, ज़्यादा कोर नहीं लगे मेरे को, 0.3 कोर लगे ये 25 टोकन बाय करने में। तो आपको बाय कैसे करना है, यहाँ पे देख सकते हो ये लेफ्ट जिस स्वैप लिखा है तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर LFG पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये LFG जो एक्सचेंज है उसका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है कोर, आपको जो भी होगा आपका चेंज करके ऊपर कोर कर देना है और नीचे CID करके सिलेक्ट कर देना है। आपको जैसे एक कोर में आपको बता देता हूँ कितने टोकन मिलते हैं, 86 टोकन मिलते हैं। अगर आप परचेस कर सकते हो तो उतने कर लो, आगे चल के ये आपके ही फ़ायदे के होने वाले, बट अभी आपको 10 टोकन चाहिए जो बाय नहीं कर सकते ज़्यादा, तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं 10 टोकन चाहिए। तो उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा, 0.1 में देख सकते हो 8 टोकन मिल रहे CID के। तो आपको 10 टोकन चाहिए तो हम 0.13 कर देते तो 11 टोकन हो जाते, 0.13 में हमको 11 टोकन मिल जाते, इतना इनफ है हमारे लिए। अगर आपको बाय करके रखना है फ्यूचर के लिए तो अच्छी बात है, आप बाय करके रख लो, इन फ्यूचर इसका बहुत वैल्यू होने वाला है, तो हम इसको बाय कर लेंगे। तो यह देख सकते हो नीचे हम बाय कर लेंगे, इधर ये मेरा शो कर रहा है इनसफिशियंट कोर बैलेंस, तो मैंने उसके जो कोर थे वो बाय कर लिए। तो आपको यहाँ पे कंफर्म करके अपना स्वैप करके टोकन बाय कर लेने हैं। तो बाय करने के बाद आपको मैं बताता हूँ वॉलेट में आपको शो करेंगे, ये देख सकते हो वॉलेट सेक्शन है, इसमें हम जाते हैं। तो ये जो अकाउंट है मेरा दूसरा वाला, इसमें देखते हैं, देख सकते हो ये जो LFG के टोकन है, नहीं सॉरी, ये जो CID के टोकन है मेरे पास 25 टोकन मैंने अभी परचेस करके रखे, जो मेरे पास थोड़े बहुत कोर थे तो उससे मैंने 25 टोकन परचेस करके रखे हैं। तो इतने मेरे पास काफ़ी, आपको 10 टोकन चाहिए मिनिमम। तो हमको क्या करना है, वापस से हमको उसी वेबसाइट पे जाना है। हम फिर से उस वेबसाइट में आने के बाद हमको यहाँ पे जो हमारा CID बैलेंस है इसमें हमारा पहले शो करता था यहाँ पे रेड रेड दिखाता था, तो हमको वहाँ पे शो करता था लेस देन 10 जो CID टोकन है हमको मिनिमम चाहिए थे। तो हमारा यहाँ पे अभी बैलेंस शो कर रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया जो वॉलेट में था 25 जो CID टोकन थे, तो वो यहाँ पे मेरे शो करने लगा है। और आपके जो 50 जो CID टोकन हो जाएंगे तो आपको एक क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो यू नीड टू एटलीस्ट 50 जो है CID टोकन। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है इसके सबसे नीचे, यहाँ देख सकते हो ऐड टू वॉलेट, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका सीधा जो टोकन इंपोर्ट करने का होता है सीधा हमारे अकाउंट में वॉलेट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऐड टू टोकन, तो हमारा ऐड हो जाएगा सीधा इसमें ऐड करते ही, और ऐसा नहीं जमता है तो आप इधर से इनका जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी करके सीधा इंपोर्ट कर सकते हो आप। और इसका जो दूसरा है इनमें हमारा जो डोमेन नेम होता है यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, तो वो अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे जो कुछ होता है मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, बस अभी के लिए आपको ये सब जो भी स्टेप मैंने बताया वो ज़रूर फॉलो करके इसमें अकाउंट बना लेना है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अगर उधर से आपको कॉपी नहीं करना होता है तो टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, कॉपी कर लेना, मिनिमम 3 रेफ़र कर लेना, अपने जो दोस्त वगैरह हो गए उनसे आप 3 रेफ़र कर लेना,
तो हम इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही था। और ये जो नीचे सेकंड जो प्रोसेस बताया है, जो इनके जो हैंडल्स है सोशल मीडिया वगैरह, इनमें ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये ज़रूर मतलब कंपलसरी बताया है कि इनको सबको फॉलो करना है। और यहाँ पे हमारा जो इनवाइट हुआ है, यहाँ पे हमको शो करेगा, और जो इनवाइट से हमको रिवॉर्ड मिला है वो भी नीचे शो करेगा। यहाँ पे CID रिवॉर्ड्स पे जितना हमारा बैलेंस है वो भी हमारा यहाँ पे शो करेगा। इस एयर ड्रॉप में बस इतना ही स्टेप फॉलो करना है। और अगले वीडियो में आपको बता हुआ कि इसमें अपना डोमेन नेम वगैरह कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे ऐड करके अपना सेव करके रखना है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। और दोस्तों जो दूसरे प्रोजेक्ट है उधर जिसमें माइनिंग चालू है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज्वाइनिंग कर लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।